चीन को करारा जवाब देने के लिए अब लद्दाख बॉर्डर पर तोपखाना रेजिमेंट भी पहुंच चुकी है। बोफोर्स तोपों की तैनाती का मैकेनिज्म तैयार है, तो -50 डिग्री की ठंड में भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। हिंदुस्तान का पराक्रम देखकर अब चीन के पसीने छूटने लगे। ये बोफोर्स की दहाड़ है। करगिल विजय का शंखनाद है। 21 साल पहले बोफोर्स की गजना से पाकिस्तानी आर्मी दहल गई थी। अब यही बोफोर्स चीन पर वज्रपात बनकर टूटेगी। लद्दाख बॉर्डर पर बोफोर्स की तैनाती का रोड मैप बन गया है। बोफोर्स की खेप लद्दाख पहुंच चुकी है। बस अब रेड आर्मी के कैंप में गोलू की बौछार करने के लिए बोफोर्स तोपों को लद्दाख के पहाड़ों में सेट करना बाकी है। यानी चीन की आर्मी ने अब कोई हिमाकत की तो बोफोर्स तोप के गोले जिनपिंग की सेना में कोहराम मचा देंगे। 155 mm वाली बोफोर्स तोप किसी भी मौसम और हालात में दुश्मन पर भारी पड़ती आई है। 1980 के दशक में तोपखाने के रेजिमेंट में शामिल की गई बोफोर्स तोप हाई और लो दोनों ही एंगल में फायरिंग करने में सक्षम है। आपको याद होगा कि करगिल की जंग में बोफोर्स ने ऊंची पहाड़ियों पर बने पाकिस्तान के बंकरों को तहस नहस कर दिया था। बोफोर्स के अलावा फॉरवर्ड लोकेशन पर सामानों की फास्ट सप्लाई के लिए भी मैकेनिज्म तैयार किया गया है। ग्लोब मास्टर और चीनू फॉरवर्ड लोकेशन पर साजो सामान की जबरदस्त सप्लाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इस पराक्रम को देखकर चीन घबरा गया है। भारतीय सेना की ठंड के लिए भी तैयारी पुख्ता और ठोस दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स की खबरों में भी अब मातम छाया है। इंडियन आर्मी की तैयारियों को देखकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आरोप लगाया है। दूसरों की जमीन कब्जाने की अपनी सोच के साथ चीन के सैनिक हिंदुस्तान की मान में घुसने की कोशिश में हैं, तो भारतीय फौज से उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। चीन ने अगर हमले की कोशिश भी की तो चीन का वही हाल होगा जो 1984 में सियाचिन में हुआ था। चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था, लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा उनके प्रयास विफल कर दिए। अध्यक्ष, एलएसी पर तनाव के बीच यही हिंदुस्तानी फौज की ताकत है। 15 सितंबर को देश के रक्षा मंत्री ने जब संसद में एलएसी के हालात का जिक्र किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पूरे देश को सीमा पर तनाव और हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का अंदाजा हो गया और विपक्ष को उनके सवालों का जवाब मिल गया। उसके बाद भी अगर चीन ने हमले की जरूरत की तो भारतीय सेना की ताकत का पूरा विश्लेषण भी सुन लीजिए। आसमान में हिंदुस्तानी ताकतवर फौज, जमीन पर ड्रैगन की डरपोक चॉकलेटी सेना। हिंदुस्तानी फौज का एक ही जवान पहले से ही जज्बे से भरा है और अब तो उसने लद्दाख में एलएसी पर 30वीं मंजिल की ऊंचाई की रणनीतिक बढ़त भी कायम कर ली है। ऐसा भारतीय सैनिकों के अहम चोटियों पर काबिज होने से हुआ है, क्योंकि इसके बाद ऊंचाई पर मौजूद भारतीय फौज के मुकाबले दुश्मन की स्थिति बेहद कमजोर है। उसकी सेना एक तरह से ऊंचाई पर मौजूद भारत के मुकाबले ग्राउंड फ्लोर पर है। ये ऐसे हालात हैं जिसमें हिंदुस्तान से मुकाबले के लिए चीन को एक एक भारतीय जवान के पीछे अपने 9 सैनिक लगाने होंगे। फिर भी पलड़ा भारत का ही भारी रहेगा। चीनी सेना आंख दिखाएगी, लद्दाख में बेमौत मारी जाएगी। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऊंचाई पर बैठी सेना के पास बचाव के ज्यादा मौके होते हैं। भारत सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में 6,700 मीटर की ऊंचाई पर सैन्य ऑपरेशन कर चुका है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान है, लेकिन मौजूदा तनाव 5,000 मीटर की ऊंचाई पर चुशुल में है और हिंदुस्तानी सेना हर हाल में चीन पर भारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।